हेलो रायपुर की पेशकश एक मुलाकात आपके साथ में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं छत्तीसगढ़ की एक मशहूर हस्ती प्रकाश अवस्थी जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्म में अपना बहुत अच्छा स्थान बनाया है और ये प्रोड्यूसर हैं, खुद एक्टर हैं और आज जो चल रही है फिल्म छत्तीसगढ़ की माया, जिसने धूम मचा रखी है, उसको भी इन्होंने प्रोड्यूस किए। प्रकाश जी आपका हेलो रायपुर में स्वागत है। प्रकाश जी मैं पूछना चाहूंगा कि आप छत्तीसगढ़ी फिल्म लाइन में कैसे आए और आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? मेरी पढ़ाई लिखाई यहां से कोई 90 किलोमीटर दूर एक गांव है गरियाबंद, वहां पे मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और बचपन से ही हम वहां पे वीडियो हॉल में फिल्में देखते थे, तो फिल्म का क्रेज तो बहुत ज्यादा था मेरे अंदर में। मेरी मम्मी मुझे बहुत इनकरेज करती थी कि तू फिल्म में कुछ करेगा। जनरली ऐसा होता नहीं कि माँ बाप कभी इनकरेज करते हैं, तो उस वजह से भी और मेरे अंदर भी था कि मैं कुछ करूं। और सडनली ऐसा हुआ कि जब मैं रायपुर में पढ़ाई लिखाई करी और मैं अपना कुछ काम कर रहा था, मैं एक्चुअली बेसिकली ठेकेदार हूं, तो मैंने जब ठेकेदारी करी उस बीच में 2000 के आसपास मोर छैया भैया की शुरुआत हुई और सतीश जी आए और मुझे भी एक उसमें रोल करने का मौका मिला, तब से मैंने अपनी फिल्म लाइन शुरू करी। अच्छा, आपसे चर्चा जो हो रही थी प्रकाश जी, तो आपने बताया कि आप थिएटर में भी काम करते थे, तो थिएटर और फिल्म के जो अनुभव हैं उनके बारे में आप बताइएगा। जी, थिएटर में काम करना एक अलग हो जाता है, मतलब उसका एक अलग दर्शक है उसके, और फिल्म में काम करना एक अलग अनुभव होता है। मैंने यहाँ पे हमारे गुरु हैं श्री मिर्जा मसूद जी, उनके साथ में मैंने कोई 10 प्ले किए हैं। थिएटर में ये होता है कि आप जो काम करते हो थिएटर पे, तो उसका रिएक्शन तुरंत मिलता है। फिल्म में हम कोई साल डेढ़ साल तक मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर एक्टिंग करते हैं, देन आफ्टर उसका पोस्ट प्रोडक्शन होता है। जब फिल्म आती है तो तब तक ये पता नहीं रहता है कि दर्शक इसमें क्या रिएक्ट करेंगे, और जब फिल्म लगती है तब हमको रिएक्शन पता चलता है। तो और निश्चित रूप से हम ये चीज जानते हैं कि थिएटर जो है वो आर्टिस्ट का होता है। हम कुछ 6 महीने रिहर्सल करते थे, उसके बाद एक प्ले करते थे, तो आर्टिस्ट ऑन द स्टेज क्या करेगा वो आर्टिस्ट के हाथ में होता है, तो ये उसका आर्टिस्ट का प्लस पॉइंट होता है। और फिल्म जो है डायरेक्टर का होता है, तो वो डायरेक्टर जैसे अपने आर्टिस्टों से काम करा ले वो उनका होता है, तो ये अंतर हो जाता है। अच्छा जी, यानी आपने जो है थिएटर से अपने पूरे जो अभिनय है उसकी बारीकियां सीखी और उसको आप छत्तीसगढ़ी फिल्म में ले रहे हैं, तो आपने एक और चीज की, अभी हम आपसे मिले थे छैया ये मोर माया के प्रीमियर में, तो उसमें आपने बताया कि आप कोई नई टेक्नोलॉजी से फिल्म बना रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोर छैया भुइया के बाद में यहां पे कोई 50-55 फिल्में बनी छत्तीसगढ़ में, और मोर छैया भुइया सिल्वर जुबली थी, उसने यहां पे रिकॉर्ड ब्रेक किया था बहुत सारे, उसने ठीक ठाक बिजनेस किया था, तो लोगों को लगा कि एक बहुत अच्छा तरीका है कि कम पैसे लगाओ और बहुत पैसा कमा लो। तो इसमें जिन लोगों को इस फील्ड का नॉलेज नहीं था वो लोग भी ये काम करने लगे, जिसकी वजह से लगातार फिल्में पिटती चली गई और यहां की इंडस्ट्री करीब करीब खत्म होने के कगार पे थी। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूं, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप बंबई जाके काम करो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं हुई बंबई जाके काम करने की, मुझे लगा कि मैं छत्तीसगढ़ के लिए ही क्यों ना कुछ काम करूं। और उसी वजह से हम लोगों ने मैंने मेरे छोटे ब्रदर हैं सतीश अवस्थी और उनके मित्र हैं रवि अग्रवाल, तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सोचा और रवि ने हमको एक चीज सुझाया कि यहां पे हाई डेफिनेशन एक कैमरा है जिसके साथ में हम करके फिल्म को थिएटर में प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो हमने जब इसकी शुरुआत करी और एक कॉन्सेप्ट तैयार किया, फिर यहां की पहली हाई डेफिनेशन यूएफओ मूवी मैंने बनाई जिसका नाम था गजब दिन फेंके, जिसका मेन लीड मैं ही था, और वो फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किया। उस फिल्म को बहुत लोगों ने सराहा, देखा कि उसका रिजल्ट थिएटर पे क्या आती है, यहां आनंद टाकीज में लगी हुई थी, और उसके अप्रिशिएशन के बाद में ही सतीश जी ने मेरे साथ माया में काम करना स्वीकार किया और हम लोगों ने एक बड़ी टीम तैयार करके आज माया फिल्म बनाई है जो आपके सामने है कि वो कितना सक्सेस हो रही है सब जानते हैं। जी, एक और चीज है, ये तो आपकी दिलेरी की बात है कि जब इतनी सारी फिल्में फ्लॉप हुई छत्तीसगढ़ी में और उसके बाद छत्तीसगढ़ी फिल्म का एक तरह से बोलिए टोटा हो गया था, तो उसमें आपने ये फिल्म
चालू की और इसमें एक मल्टी स्टारर फिल्म आपने बनाई, तो इस फिल्म को बनाते वक्त आपको कैसा अनुभव हुआ? देखिए, फिल्म बनाने का कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरीके से शुरू हुआ कि जब गजब दिन बेगे मैंने रिलीज किया था, उस वक्त मेरे बहुत सारे फैंस आए थे फिल्म को देखने, सभी यहाँ के बुद्धिजीवी वर्गों ने भी इस फिल्म को देखा है। तो उसमें मेरा एक मित्र है जो मेरे बचपन का मित्र है, मेरे साथ में क्लासमेट रहा है, रॉकी दासवानी जो यहाँ पे भी बिल्डर है, उसने वो फिल्म देखी और उसने कहा कि प्रकाश मैं तेरे साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ और चाहे उसमें मुझे जो भी हो, नुकसान हो फायदा हो आई डोंट नो, लेकिन मेरा हीरो तू है और मुझे तेरे को लेकर फिल्म बनानी है। तो जब उसने मुझ पर भरोसा किया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक बड़ी फिल्म बनानी चाहिए और किसी भी तरीके से यहां पे एक इंडस्ट्री खड़ी करने का एक और मौका मिल रहा मुझे। तो फिर मैंने एक बड़ी टीम तैयार करी और मेरे दोस्त का मुझे साथ था और फाइनली मैंने इसमें अनुज शर्मा को कास्ट किया, अनुज मेरे जो कि बहुत अच्छा दोस्त है, और उसके अलावा सतीश जैन जी डायरेक्टर थे, मेरे अपोजिट प्रीता है, रीमा है, मनमोहन ठाकुर है जो कि आगे बहुत अच्छा नाम है, पुष्पेंद्र सिंह है, संजय मानंद है, कुल मिलाकर एक बड़ी टीम तैयार करके मैंने ये फिल्म बनाई और आज सक्सेस है, मैं बहुत खुश हूं। वो प्रकाश जी, आप एक्चुअल में फिल्म में भी हीरो हैं और छत्तीसगढ़ी जो अभी फिल्में चलना चालू हुए उसके भी आप हीरो हैं, तो आप ये बताएंगे कि ये फिल्मों के अलावा आप और कुछ दूसरी चीजें हैं, करते हैं क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपको बताया अभी कि मैं बेसिकली कॉन्ट्रेक्टर हूं, सिविल कॉन्ट्रेक्टर हूं, मैं यहां पे काम करता था पीडब्ल्यूडी में और अभी भी एज ए कॉन्ट्रेक्टर हूं, बट मैंने कोई 4 साल से ब्रेक लिया हुआ है कि मुझे यहां पे इंडस्ट्री को किसी भी तरीके से स्थापित करनी है और वो मेरा ब्रेक सक्सेस हो गया है आज, और ये मेरा एक काम है जिसमें मैं अपनी रोजी रोटी चलाता था, वो कॉन्ट्रेक्टर थी। तो प्रकाश जी, जैसे फिल्म लाइन में होता है कि हर एक एक्टर हर एक प्रोड्यूसर के जिंदगी में अप्स और डाउन्स आते हैं, तो आपके साथ भी अप्स आए होंगे डाउन्स आए होंगे, तो उनके कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे। जब मैंने मोर छैया भुइयां करी थी आज से कोई 9-10 साल पहले, तो उसमें मुझे एक छोटा सा रोल मिला था, हमने पहली बार अपने आप को पर्दे पे देखा, बड़ी खुशी हुई पर्दे पे देख करके। उसके बाद मैंने कोई 5-6 फिल्में और करी जिसमें मैंने 2 फिल्मों में एज ए विलेन काम किया था, वो 2 कॉमेडी फिल्मों का नाम है, एक है लेडगा नंबर 1 और एक है कंगला होगी इस्मालाबाद। उसके अलावा मैंने 4-5 फिल्में और करी, लेकिन वो फिल्म उतने सक्सेस नहीं रहे जिसकी वजह से मैं अपने आप को हाईलाइट नहीं कर पाया। मैंने एल्बम्स भी किए जो बहुत सारे हिट रहे, मैंने एल्बम प्रोड्यूस भी किया था चटक मटक चाल, लेकिन मुझे लगता था कि अब किसी भी तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्री खत्म हो रही है, तो फिर मैंने प्लान किया और ये फिल्म बनाई। तो ये तो आपके माया फिल्म बहुत हिट हुई है, तो ये आपके लिए बहुत खुशी का क्षण होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जिंदगी में मान लीजिए कभी उदासी परेशानी के क्षण आए, तो उसको आपने कैसे निकाला? जब पिछली मेरी फिल्म थोड़ी कमजोर गई, मैंने अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाया, तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस हुआ था, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, कुछ मेरे अंदर कमजोरी रही हुई जिसकी वजह से मेरी फिल्म उतनी नहीं चल पाई। मुझे लगता था कि कुछ तो होगा, यहां पर लोग कहते रहे मुझे कि यहां दर्शक नहीं है, मुझे बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज किया, कहा कि नहीं अब इंडस्ट्री खत्म है, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री अब कभी उठ नहीं सकती, यहां पे दर्शक है ही नहीं, लोग छत्तीसगढ़ी फिल्म देखना नहीं चाहते, लोग बोलना नहीं चाहते, छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, लेकिन वो छत्तीसगढ़ी में बोलना नहीं चाहते, अब यहां पे ऑडियंस आ ही नहीं सकती। लेकिन मुझे लगता था और मेरी पूरी टीम को लगता था कि नहीं होगा, जरूर होगा, और उसी एक विश्वास के सहारे मैं चलता रहा और आज किसी भी तरीके से मैं सफल हूं और मुझे बड़ी खुशी है। और आज वही लोग जो बोलते थे कि जो मुझे डिस्करेज करते थे, आज वो लोग भी बहुत उत्साहित हैं और काम करने के लिए तत्पर है। जी, आपने तो बहुत जबरदस्त ढंग से अपनी बात बोली और आपने बहुत जोश के साथ बहुत जुनून के साथ अपनी फिल्म बनाई है, तो ये तो फिल्म की बात है। प्रकाश जी, आप अपने घर परिवार और दोस्तों के बारे में कुछ बताएंगे? जी, मेरे परिवार में मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, जो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, मेरे सक्सेस से बड़े खुश होते हैं और कभी कमजोर पड़ता हूं तो बड़े दुखी हो जाते हैं। उसके अलावा मेरे 2 छोटे भाई हैं, एक भाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, एक मेरा छोटा भाई है राजेश, तो वो बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में है, उसने बहुत सारे हिंदी सीरियल किए हैं, दुल्हन और बहुत सारे सीरियल किए हैं, और वो भी मेरे साथ कॉन्ट्रेक्टरशिप में मुझे सहयोग करता रहा है। उसके अलावा मेरी पत्नी है, मेरे 3 बच्चे हैं और हम लोग बस एक सुखी परिवार है और
कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुछ कर जाए। जी ये तो आपने परिवार के बारे में बताया, और आप अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है? मैंने तो ये सोच के रखा था जब मैंने गजब दिन फेंके बनाई थी कि मुझे किसी हालत में चार फिल्में बनानी है छत्तीसगढ़ में, चाहे मेरी फिल्म आगे सक्सेस होती है नहीं होती है, लेकिन मुझे चार फिल्में बनानी है। वो टारगेट मैं इसलिए लेके चल रहा था कि आप किसी चीज को निश्चित कर लेते हो, एक आप एम्बिशन बना लेते हो, किसी चीज का आप आउटलाइन बना लेते हो और आप उसको फुलफिल करने जाते हो तो किसी ना किसी तरीके से आपको सक्सेस मिलती है, और वही हुआ। मैं तो मतलब चार सोच के चला था, मुझे दूसरे में ही सक्सेस मिल गया है, और आगे तो मेरी लंबी चौड़ी फिल्मों की प्लानिंग है और हम लोग अभी उसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, तो छत्तीसगढ़ी फिल्म में एक तरह से आपने उछाल लिया है, उबाल लिया है, तो प्रकाश जी आप दूसरे फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए और दूसरे एक्टर्स के लिए एक तरह से आदर्श हो गए हैं, और कुछ लोग निराश होंगे, उनके लिए आपका कोई संदेश? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में पहले भी यही हमने गलती करी थी कि कुछ लोग यहाँ पे टेक्निकली बहुत साउंड हैं, जिनको फिल्म मेकिंग का नॉलेज है, कुछ लोग ही हैं जिनमें मैं नाम लेना चाहूंगा, सतीश जैन है, प्रेमचंद्राकर है, भूपेन्द्र साहू है, कुछ लोग और हो सकते हैं। तो ये फिल्म बनाना जो काम है, ये फिल्म बनाने का, ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है। तो इसको जब तक आप इसको सीख नहीं लेते हैं तब तक आपको कुछ भी चीज दर्शकों के सामने में नहीं परोसना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब तक आप इसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर उद्देश्य के साथ में आप उसको लेकर नहीं चलेंगे, तो हम खराब चीज जब दर्शक को देते हैं तो उनके मन में मैसेज जाता है कि यार ये तो छत्तीसगढ़ी फिल्में ऐसे ही खराब आती है। मतलब इवन यहां के अच्छे लोगों का यह कहना है कि छत्तीसगढ़ी फिल्में तो सब बकवास होती हैं। तो हम लोगों को ये मैसेज न दें, हम अच्छी फिल्में बनाएं, पैशन के साथ बनाएं, पैशंस के साथ बनाएं और अच्छी फिल्में दें, तो निश्चित तौर पर हमारा इंडस्ट्री ग्रो करेगा। हम छत्तीसगढ़ी भाषी हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, और हमारी छत्तीसगढ़ की कहते हैं कि फिल्म जो है वो मतलब समाज का आईना होती है, तो कहीं ना कहीं हमको अपनी छत्तीसगढ़ी समाज को अगर दुनिया को दिखाना है तो यही हमारे पास एक जरिया है, और इसको हमको बचा के रखना है। बहुत खूब प्रकाश जी, आप बहुत ही अच्छे विचार रखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में, छत्तीसगढ़ फिल्मों के बारे में। तो अंत में मैं चाहूंगा कि आप अपने छत्तीसगढ़ी दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें। मैं अपने छत्तीसगढ़ी सभी दर्शकों को, सभी भाइयों को, बहनों को, सभी को मैं कहना चाहूंगा कि वो अच्छी फिल्में आती हैं, जैसे कि आपके सामने अभी मया लगी है, तो प्लीज उसे प्यार दें, मया दें, उसको देखने जाएं, तभी यहां पे एक इंडस्ट्री डेवलप हो पाएगी, लोग फिल्में देखेंगे। अपनी भाषा से आप प्यार नहीं करेंगे, मैं तो अभी हिंदी में बात कर रहा हूं बिकॉज भाई साहब मुझे हिंदी में पूछ रहे हैं, तो मैं आप मतलब कहा था कि आप मैंने अगर छत्तीसगढ़ी फिल्म ने नहीं देखू तो छत्तीसगढ़ी फिल्म नहीं चली, तो यहां के भाषा हर दुनिया तक नहीं पहुंच पाई। हमला एला किसी भी तरीके से भाषा का दर्जा दिवाना है और किसी भी तरीके से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाना है तो आप लोग फिल्म ले देखना पड़ी, और मया बहुत अच्छा बने हैं, जितका आप मन के हो सका थे तो आके फिल्म ले देखाओ। जय जोहार। ये थे प्रकाश अवस्थी जी, जो कि एक स्टार प्रोड्यूसर और एक्टर के रूप में छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग में स्थापित हो चुके हैं, और इनकी मया फिल्म बहुत हिट हुई है, और हम शुभकामनाएं देते हैं इनको कि ये फिल्म सिल्वर जुबली बनाए और ये और निरंतर छत्तीसगढ़ की जनता को ऐसी ही फिल्में देते रहें। नमस्कार।